हेलो गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन माय चैनल। यू आर वाचिंग द इंग्लिश स्पोकन हब। माय नेम इज सत्येंद्र अवध और आज मैं आपके बीच दोबारा से एक एडवांस स्ट्रक्चर लेके आया हूँ जो कि कुछ इस तरीके से है जैसे कि आपने इस थंबनेल पर देखा। और आप मेरे चैनल पर आ गए, देखिए यहाँ पे लाइकली टू का यूज़ किया गया है। ओके, जैसा कि आप इस थंबनेल पर देख पा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं ऐसी चीज़ें आपके बीच में क्यों लेके आता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव यू नो व्हाट वन क्वेश्चन, कहते हैं कि सर हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी वोकैबुलरी आ जाती है और कुछ ऐसे रूल्स आ जाते हैं जो पैसिव वॉइस के होते हैं, जो अदर इंग्लिश ग्रामर के होते हैं, वो थोड़े से समझने मुश्किल हो जाते हैं बिगनर्स के लिए, ठीक है, और इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। और इस स्ट्रक्चर को सीखने के लिए आपको एक चीज़ करनी होगी, ओके, वो क्या है, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने इस लेक्चर से और सत्येंद्र सर के माध्यम से आपने क्या सीखा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर से रूबरू कराना चाहूँगा। हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, देखेंगे। सब्जेक्ट आई मीन आई यू वी दे ही सी इट नेम दिस दैट, ठीक है, आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद प्लस में हमने हेल्पिंग वर्ब रखा जिसमें हमने रखा इज एम आर, ओके, इज एम आर। हम पास्ट की जब बात करेंगे तो वॉज वर्ब की बात करेंगे, राइट। उसके बाद अगर हमने फ्यूचर की बात करी तो विल बी की बात करेंगे, राइट। प्लस लाइकली टू, जी हाँ, जो मेन हमारी यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो है लाइकली टू, ओके। यहाँ पे मेनली हम लाइकली टू का यूज़ करना सीख रहे हैं, ओके। इस लाइकली टू की हिंदी क्या होती है गाइस, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, संभावना है, थी या होगी, जो कि इसकी राइट हिंदी है। और जो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इन सेंटेंसेस में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइकली टू का यूज़ किया है, जी हाँ। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो चाहे इरेगुलर हो और चाहे रेगुलर हो। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर चीज़ की आप बात करोगे उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट रख लेंगे और अपने सेंटेंस को वहीं पे फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट अपने सेंटेंस की बात करना चाहूँगा कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है। देखिए, मैंने लिखा है ही इज़ लाइकली टू गेट दैट जॉब, ही इज़ likely to get that job, ठीक है, उसे वह जॉब मिलने की संभावना है, ठीक है, उसको वह जॉब मिलने की संभावना है। हिंदी देखिए आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है बट मेरे हिंदी बोलने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपका पहला वाला सेंटेंस क्लियर हो गया होगा, ओके। मैंने है के सिचुएशन में रख के सेंटेंस को फ्रेम किया है, आई मीन प्रेजेंट सिचुएशन में। आप अगर पास्ट का यूज़ करोगे तो यहाँ पे वॉज रखोगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव यू नो व्हाट वन क्वेश्चन, सर अगर हम इसको नेगेटिव में फ्रेम करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, तो मैं कहूँगा आप कह सकते हैं ही इज़ नॉट, ठीक है, ही इज़ नॉट, या फिर आप कह सकते हैं अनलाइकली, जी हाँ, अनलाइकली टू, राइट, ही इज नॉट लाइकली टू या फिर ही इज अनलाइकली टू गेट दैट जॉब, ओके। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, ओके, कि नेगेटिव अगर आपको सेंटेंस फ्रेम करना हो तो आप नॉट ना लगा के आप सीधा अनलाइकली का यूज करके सेंटेंस को नेगेटिव सिचुएशन दे सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अपना सेकंड वन,
ठीक है, सेकंड सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, वी वर लाइकली टू गो टू आगरा, हमारी आगरा जाने की संभावना थी, ठीक है, हमने यहाँ पे यस्टरडे रखा है, कल हमारी आगरा जाने की संभावना थी, यानी कि कल हमने एक प्लान बनाया जो प्लान था आगरा जाने का, लेकिन वो कैंसिल हो गया, तो उस संभावना को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसी संभावना क्रिएट हुई थी कि हम आगरा जाएंगे कल, बट हो नहीं पाया, इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को फ्रेम किया है पास्ट की सिचुएशन को दिखाकर, वी के साथ हम वॉज नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे वर, जी हम, वी वर लाइकली टू गो टू आगरा यस्टरडे, हमारे कल आगरा जाने की संभावना थी, ठीक है, पर हम गए नहीं, ऐसा यह सेंटेंस खुद कह रहा है अपने आप में कि संभावना तो थी आगरा जाने की कल, बट गए नहीं, ठीक है, कैंसिल हो गया अनफॉर्चुनेटली, ओके। तो तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है, दे विल बी, अब देखिए विल बी से मैंने बनाया, यानी आप होगा होगी होगे के सेंस में भी आप बना सकते हैं, देखिए मैंने पहले हेल्पिंग वर्ब की बात कर दी थी, अगर आप फ्यूचर में बोलेंगे तो विल बी का यूज़ करके आप सेंटेंस को फ्रेम कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं तीसरा कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है और उसकी हिंदी मैं आपको बताऊँगा, आप एज इट इज़ नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है, अगर आपके पास नोटबुक है अभी इस वक्त, तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं विद योर नोटबुक और आप कहीं ना कहीं लिखते भी जा रहे हैं साथ साथ सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये सिर्फ डाउनलोड करके आप ना लिस्ट में ही छोड़ दोगे यूट्यूब की, ठीक है, उसको बस एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, फिर उसके बाद आप भूल जाओगे अगर इसको लिखोगे नहीं, लिखने से आपको एक टाइम वो याद होगा जब आप लिख रहे होगे, दूसरी टाइम जब आपको कभी ये चीज़ ना याद आए और आपको दिक्कत आ रही हो लाइकली टू के कंसेप्ट में, तो आप उसे देख के पढ़ भी सकते हैं और पढ़ने के बाद फिर वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। चलिए देखते हैं, दे विल बी लाइकली टू गिव इन नाउ, अब उनके हार जाने की संभावना होगी, अब उनके हार मान लेने की संभावना होगी, ठीक है, गिव इन होता है हारना, ठीक है, मैंने बोला दे विल बी लाइकली टू गिव इन नाउ, अब उनके हार जाने की संभावना होगी, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा सेंटेंस है आज का चौथा है, वो चौथा कुछ इस तरीके से है, हाउ लॉन्ग इज ही लाइकली टू कम, कब तक उसके आने की संभावना हो है, हाउ लॉन्ग इज ही लाइकली टू कम, कब तक उसके आने की संभावना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हाउ लॉन्ग यानी कब तक, एक चीज और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कब तक उसके आने की संभावना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब भी बात आएगी संभावना है थी होगी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में, हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वॉज वर्ब और फ्यूचर के लिए विल बी का यूज करेंगे और एज इट इज इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप सेंटेंस को फ्रेम कर लेंगे, ओके। और ये देखिए इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में यहाँ पे देखिए लाइकली ऑन और लाइकली टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ओके, एंड लाइकली टू तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बाकी की चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।